नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है राजस्थान की आज की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी खबर की। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन को लेकर एक तरफ परसादी लाल मीणा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो एक तरफ कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन कुछ है ही नहीं, लेकिन इधर सरकार की चेतावनी आ चुकी है। आपको बता दें कि ट्रेवलिंग और भीड़ भाड़ से बचने को कहा गया है। जिन जिलों में नए केस 5% से ज्यादा मिल रहे हैं, वो अपनी तैयारी शुरू कर दें सरकार। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर खतरा बढ़ता जा रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री, आईसीएमआर और नीति आयोग के अचानक शुक्रवार को एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों को चेतावनी भरी लहजे में ओमिक्रॉन से सतर्कता और सावधानी बरतने को कहा गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि जिन जिलों में 5% से ज्यादा केस हैं, वे जरूरी ये तैयारी शुरू कर दें। वही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 1,00,000 संविदाकर्मी होंगे परमानेंट, गहलोत सरकार का बड़ा तोहफा। राजस्थान सरकार ने अलग अलग विभागों में काम कर रहे संविदा कर्मियों को परमानेंट करने का फैसला कर दिया है। इस फैसले के बाद राजस्थान में 1,00,000 से ज्यादा संविदा कर्मी परमानेंट हो जाएंगे। इसके लिए सरकार जल्द ही एक सेवा नियम भी बनाएगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी खबर, आपको बता दें कि पिता से बोला बेटा, मोबाइल नहीं दिया तो सुसाइड कर लूंगा। फ्री फायर गेम की लत इतनी कि सुसाइड करने तक बच्चा आड़े आ गया है। नागौर में 15 साल के नाबालिग को फ्री फायर की ऐसी लत लगी कि वो मोबाइल नहीं देने पर उसके पिता को कमरे में बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, घर में खड़ी बाइक में तोड़फोड़ की है और फंदा लगाकर आत्महत्या की धमकी भी देने लगा है। घटना 2 दिन पुरानी की है। परेशान पिता ने बच्चे की करतूत की शिकायत खींवसर पुलिस थाने में की है। वहीं बच्चों में ऑनलाइन गेम्स की लत और आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ने के सबसे बड़े कारण आप किसे मानते हैं, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बच्चों की इस लत पर आप क्या कहना चाहेंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सरकार के पास ही नहीं है डिग्रियों वाली नौकरी। बेरोजगार बोले, एग्जाम से पहले पेपर लीक हो जाते हैं। बीएड जैसी डिग्री करके भी धक्के खा रहे हैं बेरोजगार। सरकार के पास डिग्रियों वाली नौकरी नहीं है। भर्तियों के नाम पर सरकार एग्जाम कराती है, लेकिन हमेशा परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो जाते हैं। आपको बता दें कि डूंगरपुर स्थित कॉलेज मैदान में आयोजित रोजगार मेले में ये बात हुई है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली सबसे बड़ी और अहम खबर, बैंक शाखाओं पर लटके रहे ताले, 40 करोड़ का लेन देन भी अटक चुका है। कल भी बंद रह सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजीकरण के विरोध में किया जा रहा है आंदोलन। आपको बता दें कि बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियन के आह्वान पर 2 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन गुरुवार को सीमावर्ती राजस्थान के जिलों में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों की शाखाओं पर ताले लटके हुए मिले हैं। इसके चलते करीब 40 करोड़ रुपए का लेन देन भी अटक चुका है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गहलोत सरकार जनता के लिए एक आदर्श है। सरकार होती तो कोरोना में इतने लोग नहीं मरते, वसुंधरा राजे। राज्य सरकार 3 साल पूरे होने का जश्न मना रही है और विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने कहा है कि 7 दशकों में ये पहला मौका है जब प्रदेश में सरकार कहीं नजर नहीं आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने कहा है कि 7 दशकों में ये पहला मौका है जब प्रदेश में सरकार कहीं नजर नहीं आ रही है। इन 3 सालों में कांग्रेस की गहलोत सरकार राजस्थान की जनता के लिए एक आदर्श सी हो गई है। जनता से झूठे वादे करके बनी सरकार इन 3 सालों में जनता की हर परीक्षा में फेल रही है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मौसम अपडेट को लेकर है। आपको बता दें कि कई जिलों में मौसम विभाग ने सर्दी को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग जयपुर केंद्र के अधिकारियों के अनुसार राजस्थान के कई इलाकों में शीतलहर चलने का अनुमान रहेगा। उत्तरी सर्द हवाओं से तापमान में गिरावट आने की संभावना है। बीते 24 घंटे में कुल्लू मनाली से भी ज्यादा ठंडा सेकावटी अंचल देखने को मिला है। फतेहपुर का पारा 6 डिग्री से कम होकर 1.6 डिग्री तक पहुंच चुका है। साथ ही फतेहपुर और चूरू में बर्फ जमने के साथ ही कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा है। कोहरे के चलते लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। 17 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के दौरान राजस्थान के जयपुर, बीकानेर समेत अन्य संभाग और आसपास के जिलों में ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। हालांकि आपको बता दें कि एक संभाग में राजस्थान के संभाग में कई जिले शामिल होते हैं। राजस्थान में कुल 7 संभाग हैं, उनमें से बीकानेर और जोधपुर संभाग में ये अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही जयपुर में भी आपको बता दें कि इन संभागों के जिलों में सर्दी पड़ने की संभावना रहेगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर आपको दे दें कि सतीश पूनिया बोले, कांग्रेस सरकार का 3 साल काला अध्याय जैसा, जनता अदालत में सरकार दोषी रही है, 2023 में मिलेगी सजा, टेम्पो लाइक सवारियां नहीं बेबसेगी। सतीश पूनिया ने एक बार फिर राजस्थान की गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया है। ये थी राजस्थान की आज की दिन भर की तमाम